जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो में। जैसा कि आपको पता है मैं हूँ बिहार टूर पे, तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ आरा जंक्शन का। आरा जंक्शन क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, कैसा दिखता है और इतना खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग आपको याद दिलाएगी पटना जंक्शन की, ऐसे ही वहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है गोल्डन में, बहुत ही प्यारी लगती है। और बाहर की तरफ ये डिज़ाइनिंग जो है ना गजब अद्भुत, इतना खूबसूरत बनाया गया है आरा जंक्शन को, सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा बिहार का यह रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ जो आप प्रवेश करेंगे तो ऐसा है कुछ प्लेटफॉर्म, अंदर की तरफ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए पश्चिम दिशा की ओर पूछताछ इंक्वायरी बुक स्टॉल पूर्व प्रतीक्षालय और वरिष्ठ शाखा अभियंता जैसे विद्युत उपकरण हिंदी पुस्तकालय जैसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ पाएंगे। विश्राम गृह पूर्व दिशा की ओर है, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी अति विशिष्ट स्टेशन प्रबंधक, ये सारी चीज़ें इधर आपके लेफ्ट हैं। अंदर तरफ चलते हैं, जब आप यहाँ पर आएंगे प्रवेश करते हुए, स्टेशन बाहर से तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा गंदगी है जिसको और मेंटेन किया जा सकता है। सहयोग कार्यालय यहाँ पर है, ऊपर LED लगी है जहाँ पर सारी ट्रेनों की डिटेलिंग होती रहती है। और इधर से कुछ खाने पीने की लेना चाहते हैं, यहाँ पर कैटरिंग स्टॉल भी है आरा का, यहाँ पर आप ले सकते हैं सारी चीज़ें। मास्क वगैरह आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और अंदर तक जब आप प्रवेश करेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ प्लेटफॉर्म नंबर एक। स्टेशन की घड़ी में हो गए 15:14। अच्छा, एक खास बात यह है कि बिहार के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं मैंने जो भी कवर किए हैं हर जगह मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स बनाए गए हैं और बहुत ज़्यादा बल्क में। देख रहे हैं ये सारी चीज़ें मुझे बिहार में ही देखने को मिली है। बाकी के रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वहाँ पर धीरे धीरे चार्जिंग पॉइंट्स गायब हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही गजब की चीज़ें मुझे देखने को मिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा, सिटिंग एरिया बनाया गया है प्लेटफॉर्म के जस्ट साइड में और आगे की तरफ मुख्य टिकट निरीक्षक TC का कैबिन है। लेकिन ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं ना काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनको रेनोवेट की ज़रूरत है। जन प्रसाधन पुरुष महिला दोनों, आगे वॉशरूम वगैरह है वो आप सुविधा ले सकते हैं। सीटिंग बनाई गई है साइड साइड में। बाकी भीड़ भाड़ की बात करूँ तो फिलहाल अभी भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं है। यह द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, छोटा सा प्रतीक्षालय है आगे की तरफ और यहाँ पर वॉशरूम है जो कि पेड है। टॉयलेट 5 रुपये, टॉयलेट पर बाथ 10 रुपीज़। जन प्रसाधन देख रहे हैं ये पेड फैसिलिटी है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। यहाँ की जो मेन लाइन है वो है हावड़ा पटना दिल्ली मेन लाइन, रेल डाक सेवा यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट। और आगे की तरफ जहाँ भी आप जाएंगे हर एक स्टेशन की तरह यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी फुट ओवरब्रिज इधर भी एक है और एक फुट ओवरब्रिज पीछे की तरफ मैंने आपको दिखाया वो भी है। सामने गाड़ी जा रही है, कौन सी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये सिकंदराबाद दानापुर। अब चलते हैं ऊपर की तरफ से। आरा जंक्शन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है और इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म और 7 पटरियाँ हैं। उधर से लगी हुई सीढ़ियाँ जहाँ पर आप चाहें तो बाहर से ऐसे ऐसे फुट ओवरब्रिज से होते हुए जा सकते हैं। और फ्रंट से ऐसा कुछ आरा का जंक्शन, सामने आरा जंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा तोड़फोड़ हो गई है। आप लोग कमेंट कर बताना अगर आप यहाँ से हैं। बाकी छोटी सी पार्किंग है यहाँ पर, कुछ लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क कर रखी है। आगे की तरफ से भी अगर आप जाना चाहें तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। बाकी सामने की तरफ ऐसे एग्जिट लेते हुए गेट की तरफ से ये मेन रोड है, यहाँ से आप बाहर ले सकते हैं एग्जिट। बाइक पार्किंग वगैरह सुविधा वहाँ पर उधर की गई है जो कि पेड पार्किंग है। तो चले चलते हैं अंदर स्टेशन के अंदर, खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं बिहार टूर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगी मिथिला की पेंटिंग जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। चारों तरफ से पेंटिंग की गई है, इतनी प्यारी लगती है पूछो ही मत। और इधर ये इंक्वायरी काउंटर है और टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं, ट्रेनों की आवाजाही के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये छोटा सा एक एरिया है जो वेटिंग एरिया आप बोल सकते हो। बाकी आरा का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 प्लेटफॉर्म हैं। सामने की तरफ 2 नंबर पर कोई गाड़ी आ रही, इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऐसे ज़्यादातर गाड़ियाँ 2 नंबर पर ही आती हैं आरा आने वाले के लिए। बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, दानापुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए इधर सजाया जा रहा है और सामने की तरफ से फुट ओवर ब्रिज है, इधर से आप प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 की तरफ जा सकते हैं। और 2 नंबर पर आपको एक्सीलेटर भी मिलेगा, उधर से एक्सीलेटर भी आप लेकर
आ सकते हैं। इस स्टेशन पर एक माइनस पॉइंट है जो मुझे लगता है वो चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। देखिए इधर प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के सामने सीधे आप देख सकते हैं इधर से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इधर बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, पर यही नहीं, आगे की तरफ आप देखेंगे जहाँ तक देखेंगे ना कहीं भी बाउंड्री वॉल नहीं है, तो आप उधर से भी जा सकते हैं, कहीं से भी आप जा सकते हैं। बेसिकली अनऑथराइज चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी कमर्शियल ऑटो वगैरह लगे हैं, ऑटो स्टैंड यहाँ पर है, तो आप कहीं भी यहाँ से जाना चाहते हैं तो ऑटो, टैक्सी, बस, प्राइवेट व्हीकल, सारी चीज़ें यहाँ से आपको सुविधा मिल जाएगी। चलिए चलते हैं फुटओवर ब्रिज से ऊपर की तरफ, दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। यहाँ पर कई लोग उतरते हैं, कई सारे लोग दिल्ली, मुंबई और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है यह फुटओवर ब्रिज। फुटओवर ब्रिज की साफ़ सफाई और स्टेशन की साफ़ सफाई की बात करूं तो ओके ओके है। इधर लिफ्ट का काम चल रहा है, शायद इधर लिफ्ट बनेगी, जब बन जाएगी तो यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा हो जाएगा। देखिए मैं बाउंड्री की बात कर रहा था ना, देखिए इधर, देखिए इधर भी कोई बाउंड्री नहीं है, बाहर से ऐसे लोग आ रहे, उधर से लोग आ रहे, सीधे सीधे ऐसे आ रहे। ये थोड़ा सा सेफ भी नहीं है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा मेंटेन होनी चाहिए। बाउंड्रीज हैं लेकिन बहुत दूर हैं, वहाँ पर एकदम बाउंड्री है आगे की तरफ, तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कैप्चर होना चाहिए। बाकी इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जाने का रास्ता ये है, इधर से जाना है ऐसे कुछ। नीचे की तरफ जाएंगे राइट साइड तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 मिलेगा। चलिए चलकर दिखाता हूँ वहाँ पर नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। बाकी भीड़ आप देख सकते हैं 1 नंबर से ज़्यादा 2 नंबर और 3 नंबर पर भीड़ है, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर पर ज़्यादातर गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए पब्लिक यहाँ पर खड़ी है ज़्यादा। यह प्लेटफॉर्म नंबर 2 और इधर है प्लेटफॉर्म नंबर 3। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए फूड कोर्ट लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टॉल जहाँ पर आप खा पी सकते हैं। और इधर 4 नंबर पर एक बड़ी सी टंकी है जो पहले बनाई जाती थी अंग्रेज़ों के टाइम पर, क्षमता 56,250 लीटर आर आज जंक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इधर की तरफ ऐसा कुछ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी आ रही वैग 9 लोगों के साथ, कौन सी गाड़ी है अभी पास से आपको दिखाता हूँ। सिकंदराबाद दानापुर 63 किलोमीटर की जर्नी करती है, ये छोटी सी ट्रेन जर्नी है, आप चाहें तो इस पर भी यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी जर्नी है। प्लान था शुरू में इससे जर्नी करेंगे लेकिन चेंज कर दिया गया, और इसमें स्लीपर कोच भी है, एसी के कोचेज है बेसिकली, 1, 2, 3 एसी के कोचेज है इसमें। चलिए वेसीलेटर की मदद से चलते हैं ऊपर की तरफ और चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 दिखाते हैं आपको। तो हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, ये है एग्ज़िट पॉइंट, 2 सीढ़ियाँ हैं, एक तरफ से आपको आना है, एक तरफ से आपको जाना है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर ही टोटो लगे रहेंगे, बैटरी वाले रिक्शे जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर ऑटो वगैरह भी लगी हैं, बेसिकली ये पार्किंग है, तो यहाँ से आप जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों आरा जंक्शन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, जय हिंद।